चलिए, आप मेरी बात तो मानने को तैयार नहीं। हरफे राज हैं एक आपके यहाँ के जर्नलिस्ट, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, सुन लेते हैं। शर्म मानती चाहिए ये कहते हुए भी, प्राइम मिनिस्टर का एक पासपोर्ट होता है जिस पर लिखा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। Agreed. वो रेड पासपोर्ट से ट्रेवल कर रहा होता है, वो रेड पाकिस्तान पासपोर्ट देता है। प्राइवेट क्या होता है? तुम इस मुल्क की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर गए हुए थे वहां पर, शर्म आनी चाहिए। गुफ्तगू करते हुए भी तुम्हारे कपड़े उतारे गए और तुम समझते हो कि पाकिस्तान की इज्जत खत्म नहीं हुई? You were holding the office of the Prime Minister. तुम इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को नुमाइंदे थे। मैं एक आम आदमी के साथ, आम आदमी के साथ पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर कितने तुम्हें मौत पड़ती है तुम लोगों को? बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर तुम्हारे इतना पीए चल रहा होता है, ये चल रहा था, वो चल रहा था, जूते खाने के लिए तुम्हें अमरीका रह गया। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर क्यों नहीं करते हो तुम लोग? मोना जी, आपने सुना भी? बिल्कुल सुनाएंगे। आपका ही कोई बेहुदा जर्नलिस्ट है जिसकी आप मुझे बातें सुना रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा बेहुदा जर्नलिस्ट नहीं है ये पाकिस्तान का के जर्नलिस्ट है। नाम बताएं, मैं जानती होंगी। आपने मुझे रऊफ यात्रा का नाम हरफे राज, जो भी सच बोलेगा वो बेहुदा है मोना जी। आप जरा गूगल कर ले, मैंने नाम भी नहीं सुना ये। अच्छा, टीवी में तो आपके आ रहे हैं, मतलब जितने भी जर्नलिस्ट सच बोल रहे हैं वो सब बेहुदा है। मतलब आप अपनी कॉम, यानी आप एक पत्रकारों के ऊपर भी उंगली उठा रही हैं, क्योंकि वो वाकई जर्नलिस्ट है। आप जिनका नाम ले रहे हैं मैं नहीं जानती हूँ वो कौन से जर्नलिस्ट हैं। इसको भी गूगल कर लीजिएगा। आपके असल में आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि आपको, मेरी कम्युनिटी का बंदा है, मेरा कुलीग होगा, मैं क्यों गूगल करूँ? मुझे पता होगा कि कौन है। अच्छा, तो मतलब आप क्या टीवी चैनल में किसी को भी बैठा देते हैं? इस तरह के लोग जो आप क्या किसी को भी बैठा देते हैं टीवी चैनल में? आप क्या किसी को भी जर्नलिस्ट बना देते हैं? और वो तो बहुत ही जईफ और बहुत ही शरीफ से लग रहे थे मुझे। शरीफ से तो आपको लगेंगे, वो क्या पता आप ही के एजेंट हो, आपको ही शरीफ लगेंगे। हाँ, जो हमारे सही, बिल्कुल सही कहा है, तो है तो हमारा ही हिस्सा, पाकिस्तान भी हमारा ही था। सही कहा, बिल्कुल हमारे ही थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहे 1947 से पहले।